Now, in this third part of the video of chapter, the last lesson of English literature, again we will continue with our third part. After the we have completed up to this ki unhone jo bhi explain kiya wo bacche ko samajh mein aaya. It seemed almost as it if the poor man wanted to give all he knew. Ye aisa dikh raha tha ki jo पुअर मैन है, एक लाचार व्यक्ति है, शायद वो सब कुछ देना चाहता था, जो भी वो जानता था, जो भी ज्ञान उसके पास थे, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले वो सब कुछ अपने ज्ञान को देकर जाना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक झटके में एक झटके में वो सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में भरना चाहता था. एक झटके में वो चाहता था कि हम सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख लें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन, ग्रामर के बाद हमारे जो लेसन है वो हमारे पास थे, ग्रामर के बाद हमारे लेसन्स थे हमारे पास में. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे लेसन थे लिखने में. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल के पास नई कॉपियाँ थी हमारे लिए. रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वो बहुत ही खूबसूरत राउंड हैंड्स से लिखी हुई थी. फ्रांस एल्सस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे छोटे से फ्लैग जो हैं, झंडे हैं, वो तैर रहे हैं. एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हर जगह स्कूल रूम में हंग यानी कि लटका हुआ, फ्रॉम द रोड एक छड़ी से लटका हुआ, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारे डेस्क के ऊपर. You ought to have seen how everyone set to work. तुमने देखा है, तुम एक निश्चित तौर से तुमने देखा है कि कैसे सब लोग अपने काम पे हैं. And how quiet it was, और कितना शांत था ये सब कुछ वातावरण. The only sound was the scratching of the pens over the pen. एक सिर्फ आवाज़ यहाँ थी जो पेन के कुरेदने की आवाज़ थी पेपर पे वही. Once some beetles flew, कुछ झिंगुर उड़ रहे थे. But nobody paid any अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. नो बडी पेड अटेंशन टू डेम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि एक छोटा भी जो हो वो भी, कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी नहीं ध्यान दिया, कोई भी नहीं ध्यान दिया. हु वर्कड राइट, जो कि उस समय वर्क कर रहा था ऑन प्रेसिंग, पकड़ ध्यान दे रहा था, समझ रहा था, नज़र रख रहा था. देयर फिश हुक को as if that was French to जैसा कि वो French भी था. On the roof the pigeon, छत के ऊपर pigeon जो थे, कबूतर जो थे, कूट, वो गुटर गूँ कर रहे थे बहुत ही धीरे से, very low, बहुत ही धीरे धीरे वो धीमे आवाज़ में गुटर गूँ कर रहे थे. And I thought of myself, और मैंने खुद के बारे में सोचा. Will they make them sing in German, क्या ये अब ये जर्मन में गाएंगे. Even the pigeons, क्या pigeon भी. Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं अपने writing से ऊपर देखता था, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. मैंने देखा कि Mr. Hamel जो हैं बहुत ही स्थिर हैं, शांत हैं, अपने चेयर में बैठे हैं. And gazing, और घूर कर वो देख रहे हैं. First at one thing, पहले एक चीज़ पर, then at another, फिर दूसरी चीज़ पर. As if he wanted to fix in his mind, कि जैसे वो हर चीज़ अपने दिमाग में बैठाना चाहते थे. Just how everything looked, कि कैसी हर चीज़ दिखती है. इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में. फैंसी, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और पूरे 40 साल तक वो उसी सेम प्लेस पे रहे थे. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो कि खिड़की से बाहर उनका गार्डन दिखता था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने दिखती थी. जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरीके से. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो हैं वो जो हैं चिकनी हो चुकी थी. द वॉलनट ट्रीज, जो आपके अखरोट के पेड़ होते हैं इन द गार्डन वेयर टॉलर, वो अब और भी बड़े हो चुके थे. एंड द होप वाइन, जो होप वाइन होता है वो होता है अ टाइप ऑफ क्लाइंबर, एक तरीके की लता होती है. दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने लगाई थी हिमसेल्फ खुद से. ट्विंट, जो कि मरोड़ा हुआ था अबाउट द विंडो टू डर ऑफ विंडो से छत की ओर. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, ये सारी चीज़ें कितना उनके दिल को तोड़ रही होंगी कि ये सारी चीज़ वो उनको छोड़नी पड़ेगी. ऑल पुअर मैन टू हियर इट, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवब, ये सुनते हुए कि उनकी जो बहन है वो रूम में ऊपर जो है मूव कर रही हैं, चल रही हैं. पैकिंग देयर ट्रंक्स, और पेटियां जो है संदूक को बांध रही हैं, पैक कर रही हैं चीज़ें. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें वो कंट्री जो है, देश जो है, दूसरे ही दिन छोड़ के जाना है.
बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके अंदर साहस था कि वो हर पार्ट को आखिरी अंत तक सुने. आफ्टर द राइटिंग लिखने के बाद ही वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारी लेसन एक हिस्ट्री की थी. एंड देन द बेबीज चैंटेड, और फिर बेबीज जो है वो गाना गाते हैं, देयर बा बी बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉस्टर. नीचे रूम के पीछे जो ओल्ड पुराने हॉस्टर हैं, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे रखे हुए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने प्राइमर उन्होंने ली रखी थी दोनों हाथों में, बोथ इन बोथ हैंड्स, स्पेल्ड द लेटर्स, अपने लेटर्स को वो बोल रहे थे विथ देम बुक की मदद से. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप भी देख सकते हो कि वो भी रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रम्बल, उनकी आवाज़ काँप रही थी विथ इमोशन, भावनाओं के साथ में. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और ये काफ़ी हास्यपूर्ण था उनको सुनना, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे. आ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं कितने अच्छे से इसे याद कर सकता हूँ. आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, वो आखिरी जो लेसन था. At once the church clock struck, एक समय में चर्च की जो घड़ी है उसमें struck 12, उसमें 12 बजते हैं. Then the angels यहाँ पे है, here a bell used for Christian prayer के लिए जो angels बजते हैं वो bell है. At the same moment, और उसी क्षण the trumpet, उसी समय trumpet जो यहाँ एक नाल होती है बजने वाली, वाद्य यंत्र है, ऑफ द प्रूशियन के रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि प्रैक्टिस करके ड्रिल से वापस लौट रहे होते हैं, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो कि हमारे खिड़कियों के अंदर आवाज़ आती थी. मिस्टर हैमिल स्टूड अप, मिस्टर हैमिल खड़े हो जाते थे, वेरी पेल, बहुत ही पेल, यानी उनका चेहरा जो है वो पीला है और दुखी है. इन हिज चेयर, अपने चेयर में, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैं उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा कि वो इतने लंबे दिख रहे हों. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट, मेरे फ्रेंड्स ने कहा ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ उनके दम घुटने जैसा उन्हें महसूस हुआ, घुटन उन्हें महसूस हुआ. ही कुड नॉट गो ऑन, उसके आगे वो नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए. टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन, और उसे लेते हुए विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे शक्ति और पराक्रम के साथ में उन्होंने लिखा. ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा वो लिख सकते थे, बड़ा लिख सकते थे. विव ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस की यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है. Then he stopped and leaned his head. फिर वो रुक गए और अपने सिर को उन्होंने झुका लिया against the wall जो थी दीवार की तरफ. And without a word, और बिना किसी एक शब्द को बोले हुए, he made a gesture, उन्होंने एक अपना gesture जो है शरीर की position बनाई to us with his hand, अपने हाथों के साथ में अपने शरीर को उन्होंने इनकी ओर किया. School is dismissed, और उन्होंने कहा बच्चों की ओर मुख करके अपना, school is dismissed, कि school अब dismissed होता है. You may go, अब आप जा सकते हो, आपका लास्ट लेसन खत्म हो चुका है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ऑल ऑफ यू रीड दिस चैप्टर केयरफुली.